फॉरेन बॉडी इन थ्रोट। यस दोस्तों, बहुत बार गले के अंदर जान पे आफत बन पाती है। हमें लगता है कि कई बार क्या है, जैसे हम फिश खाते हैं, बहुत बार क्या है हम कोई कैप्सूल लेते हैं या बड़ी गोली डॉक्टर ने लिख दी तो वो भी गले में अटक जाती है। एंड कई बार गले में ऐसा लगता है कि मेरे कोई कांटा या फंस गया। दोस्तों, बहुत डेयरिंग इमरजेंसी होती है। सबसे पहले तो हमें क्या है कि ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमें पैनिक नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना, हमें घबराना नहीं है, हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा जब पेशेंट आता है तो कई बार क्या है जो है गले में फिश का कांटा, जैसे कई बार फिश जो होती है उसका जो है हमारे गले के अंदर जीभ के पीछे के हिस्से के अंदर कई बार उसका कांटा फंस जाता है तो वो हमें गले में इरिटेट करने लगता है। सो दोस्तों, जब इस टाइप के पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं तो एक FOL टेस्ट होता है, फाइब्रोप्टिक लेरिंगोस्कोपी, उसके माध्यम से मॉनिटर पे स्क्रीन पे उस कांटे को, फॉरेन बॉडी को हम देख सकते हैं। देख के सबसे पहले ये डायग्नोसिस हो जाता है कि यस, इसके अंदर फॉरेन बॉडी है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो कांटा या फीस का जो भी है वो गले में अटकता है, कई बार क्या है वो अंदर चला जाता है लेकिन हमें सेंसेशन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि मेरे गले में अभी भी अटका हुआ है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो उसका उचित जो है डायग्नोसिस होता है, उसके बाद के अंदर जो है अगर उसको निकालने की ज़रूरत है तो एंडोस्कोपी के माध्यम से उसको निकाल दिया जाता है, कई बार OPD प्रोसीजर में निकाल दिया जाता है, बहुत बार दोस्तों एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बड़ी जो मेडिकेशंस होती हैं, गोली हैं, कैप्सूल हैं, ये भी कई बार पेशेंट के अटक जाती हैं तो उसको भी एक एंडोस्कोपी के माध्यम से निकाला जाता है। लेकिन कभी भी सपोज करो अगर आपको ऐसा होता है तो इसके लिए पैनिक नहीं होके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और कई बार जैसे मान लो कोई छोटा सिक्का या इस टाइप की प्रॉब्लम भी है तो एक्सरे के माध्यम से कोई मेटेलिक फॉरेन बॉडी है, बहुत बार छोटे बच्चे ऑलपिन या इस टाइप की चीज़ें हैं दोस्तों, यस, जो स्प्रिंग होती है वो भी गले में कई बार अटक जाती है तो उसको हम जो है एक चेस्ट एक्सरे करा के उस एक्सरे के माध्यम से पता लगा के दूरबीन से उसको निकाल दिया जाता है। पैनिक नहीं हो, ट्रीटमेंट हर चीज़ का है, बट सबसे पहले उसकी जो है डायग्नोसिस और उसका लोकेशन कहाँ पे ये है उसका पता हमें लगना चाहिए। उसके बाद कुछ मेडिकेशंस होती हैं एंड पेशेंट को डाइट में कुछ बनाना और इस टाइप की सॉफ्ट चीज़ें देनी चाहिए, फिर उसके बाद के अंदर जो है वो उस फॉरेन बॉडी को निकाला जाता है। थैंक यू।